अपडेट करें आपको, सुप्रीम कोर्ट में 9 मई से मुतालिक खुसूसी अदालतों के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। चीफ जस्टिस की 6 रुकनी लाजे बेंच समाअत कर रहा है। आपको बताएं, सरबराही में 6 रुकनी लाजे बेंच समाअत कर रहा है। उस्मान मुजफ्फर हम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। उस्मान मुजफ्फर, बताइएगा क्या समाअत शुरू हो चुकी है? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सिविलियन के हवाले से खसूसी अदालतों के क्याम और उसके खिलाफ जो दरख्वास्तें थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दोबारा जो है वह समाअत शुरू हो चुकी है। 6 रुकनी बेंच है वो इस केस की समाअत कर रहा है। जब ये बेंच बना तो इसकी जो जजेज़ की तादाद थी वो 9 थी, उसके बाद 2 जजेज़ अलग हुए और उसके बाद आज जो है अटॉर्नी जनरल की जानिब से सूर अली शाह जो है उन पर एतराज़ उठाया गया, जिसके बाद वो भी इस बेंच से अलग हो गए। इसके बाद अब 6 रुकनी बेंच है वो इस केस की समाअत कर रहा है। इन 6 रुकनी बेंच में जो है जस्टिस जो है एजाज़ुल अहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस जाजा अफरीदी, जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी और जस्टिस आयशा मलिक जो है वो शामिल है। इस बेंच की जो सरबराही है जस्टिस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल कर रहे हैं। इस वक्त कमरा अदालत में जो है केस की समाअत शुरू हो गई है। जी, अदालत में केस की समाअत शुरू हो चुकी है। 6 रुकनी बेंच इस वक्त समाअत कर रहा है। उस्मान मुजफ्फर हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया। अपडेट करें आपको, सुप्रीम कोर्ट में 9 मई के वाकयात पर खुसूसी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत दोबारा शुरू हो चुकी है और अब बताया जा रहा है चीफ जस्टिस की सरबराही में 6 रुकनी लाजे बेंच समाअत कर रहा है। समाअत बाकायदा तौर पर शुरू हो चुकी है।